Hello everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about classification of a route of a drug administration. Okay, so before going to classification of a route of a drug administration, so now we understand what is route of a drug administration. So in route of a drug administration, there are three ward in the route of a drug administration. So first one is your route, and second one is your drug, and third one is your administration. Okay, so route. So what is route? So route is the path. Route is the path through which drug moves and shows the pharmacological action. If you administered any type of a drug, is it travel in that path or it shows pharmacological action? जब हम किसी भी रूट में चाहे ओरल रूट हो, चाहे इंट्रामस्कुलर रूट हो, चाहे आपका डीपर टिश्यू हो, चाहे आपका लोकल या टॉपिकल रूट, जो भी रूट में आप ड्रग को इंजेक्ट करो, उस रूट में क्या सिर्फ ड्रग ट्रैवल करता है? नहीं करता है. तो वो क्या करता है? ट्रैवल करने के साथ फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी प्रोड्यूस करता है. तो रूट का मतलब आपको समझ में आ गया. ओके, एंड ड्रग का मतलब तो आपको पता है, एनी सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन और क्योर ऑफ डिजीज इज नोन एज ड्रग फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट. ओके, एडमिनिस्टर्ड मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन करना. तो रूट ऑफ अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. सो रूट ऑफ अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को क्लासीफाई किया जाता है डिफरेंट बुक में, डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, लेकिन आज हम यही क्लासिफिकेशन के ऊपर चर्चा करेंगे. ओके, अच्छा, अभी आप पूछोगे कि इसका जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरह से क्यों होता है, क्यों डिफरेंट क्लासिफिकेशन हमें चाहिए, क्यों हमें डिफरेंट रूट चाहिए. देखो, डिफरेंट रूट इसलिए चाहिए, ये सेवरल फैक्टर आपका इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे कि अगर कोई पेशेंट एक नौजिया उसको हुआ है, ओके, नौजिया हुआ है, तो आप उसको ओरल मेडिकेशन नहीं दे सकते. आप उसको ओरल मेडिकेशन नहीं दोगे, क्योंकि जब आपको ओरल मेडिकेशन दोगे वो उसको एक्सपेल आउट कर देगा, वोमिटिंग कर देगा. तो उसको आपको इंट्रामस्कुलर में देना पड़ेगा या किसी और माध्यम से, इंट्रावेनस के माध्यम से देना पड़ेगा. इसी तरह से मान लीजिए कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो आप उसे ओरल रूट में मेडिकेशन अगर देने जाओगे तो पेशेंट जल्दी ठीक भी नहीं होगा. तो इसीलिए आपको कौन सा रूट फॉलो करना चाहिए? आईवी रूट फॉलो करना चाहिए. तो ये होता है डिफरेंट पैरामीटर या डिफरेंट क्राइटेरिया जिसके चलते हम रूट ऑफ अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को चूज करते हैं. ओके, तो रूट ऑफ अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ये दो भागों में डिवाइडेड है. एक होता है आपका लोकल रूट एंड एक होता है आपका सिस्टमिक रूट. सो लोकल कहने का क्या मतलब है? आपका स्किन के जो सतह वाला जो लेयर होता है, जो एपिडर्मिस वाला लेयर होता है, जो आपका स्किन के ऊपरी हिस्सा है, उसको बुलाता है आपका लोकल रूट. इन सिंपल लैंग्वेज में समझो. ओके, सो लोकल रूट एक होता है. सो लोकल रूट में आपका आ गया क्या? टॉपिकल रूट, ये हो गया आपका फास्ट. ओके, देन आ गया आपका डीपर टिश्यू. डीपर टिश्यू ऑल्सो लोकल लोकल. तो आप अभी बोलोगे डीपर टिश्यू क्यों लोकल है? डीपर टिश्यू इसलिए लोकल है क्योंकि इस रूट में जो भी मेडिकेशन हम देंगे उसका सिस्टमिक अब्जर्प्शन बहुत ही लो होता है, या तो लो होता है या बहुत लो होता है.
तो डीपर टिश्यू में जो भी ड्रग होता है उसका सिस्टमिक ऑब्जर्वेशन बहुत ही लो होता है। सो सिस्टमिक ऑब्जर्वेशन अगर लो होगा तो सिस्टमिक सर्कुलेशन भी बहुत ही लो होगा, तो इस कारण से इसको क्या बोला जाता है, डीपर टिश्यू। डीपर टिश्यू ऑल्सो कवर्ड इन लोकल रूट। ओके, सो डीपर टिश्यू में आपका आ जाता है क्या, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, इंट्रा थिकल इंजेक्शन, रेट्रो बल्बार इंजेक्शन एंड एक होता है आपका इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन। ओके, सो लोकल रूट में क्या क्या कवर होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सिस्टमिक रूट। सो सिस्टमिक रूट क्या होता है, जो सिस्टम जो हमारा ब्लड में जो मिक्स होकर के थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट कर देता है। सिस्टम सिस्टमिक वर्ड सिस्टम से आया हुआ है, तो हमारा बॉडी एक प्रकार का सिस्टम है, तो थ्रू आउट बॉडी जाने को बोला जाता है आपका सिस्टमिक रूट। ओके, सो सिस्टमिक रूट दो भागों में डिवाइडेड है, एक होता है आपका एंटरल, दूसरा होता है आपका पैरेंटरल। ओके, एंटरल रूट में आपका क्या क्या आएगा, ओरल रूट आएगा, सबलिंगुअल रूट आएगा, देन आफ्टर बकल रूट भी आएगा। उसके बाद इन पैरेंट्रल में क्या क्या रूट आता है, पैरेंट्रल में आपका आएगा इंट्रा मस्कुलर जिसको बोला जाता है IM, इंट्रा वेनस जिसको बोला जाता है IV, इंट्रा डर्मल जिसको बोला जाता है ID, सब क्यूटानियस जिसको बोला जाता है SC। ओके, इन एंट्रल रूट आपको कैसे पहचानोगे, एंट्रल मतलब जो इंटेस्टाइन होकर के जाता है, एंड पैरेंट्रल क्या होता है, पैरेंट्रल मतलब बियॉन्ड इंटेस्टाइन, मतलब जिसको इंटेस्टाइन के साथ कोई लेना देना नहीं है। ओके, जिसको इंटेस्टाइन के साथ क्या है, कोई लेना देना नहीं है, वो क्या होता है आपका पैरेंट्रल होता है। एंड सबक्यूटानियस में आपका आ जाता है डर्मोजेट, पेलेट इम्प्लांटेशन, नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट, ये तीनों आ जाता है। सो नाउ कम टू लोकल रूट। सो व्हाट आर लोकल रूट, सो यूज्ड फॉर लोकलाइज्ड लेजन। सो ये लोकल रूट जो होता है ये जनरली क्या होता है, यूज्ड फॉर लोकलाइज्ड लेजन। मान लीजिए आपके स्किन के, कोई भी स्किन हो, आपके हैंड में हो सकता है, फेस में हो सकता है, आपके लेग में हो सकता है, मान लो वहाँ पर कोई लेजन है, कोई घाव है, तो वहाँ पर क्या होता है, इसको बुलाता है लोकल रूट। तो कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है, जब लोकली कोई आपके पास लेजन होता है, कोई क्षय हो जाता है, कोई कॉट हो जाता है, ऊंड हो जाता है, तो उस क्षेत्र में वहाँ पर हम क्या करते हैं, लोशन क्रीम ऐसे जो फॉर्मूलेशन होता है या जेल होता है, इसे हम अप्लाई करते हैं। ओके, सो लोकल रूट में जो एग्जाम्पल होता है, एक ड्रग का एग्जाम्पल, इसको बुलाता है ग्लिसरिल ट्राइनाइट्रेट अप्लाइड आज ऑइंटमेंट। सो ये जो ग्लिसरिल ट्राइनाइट्रेट, ये आपका एक ड्रॉग है जो कि आपका ऑइंटमेंट फॉर्म में होता है, ऑइंटमेंट फॉर्मुलेशन में होता है। ओके, ये अनजाइना केस में दिया जाता है, और आपके जनरली कहाँ पर, जनरली आपका जो हार्ट वाला जो एरिया है ना, ऊपरी सतह वाला एरिया, वहाँ पर मालिश करना इसको पड़ता है, वहाँ पर रबिंग करना पड़ता है। जब हम रबिंग करेंगे, अंजाइना केस में क्या होता है, आपका ब्लड वेसल नैरोइंग हो जाता है, तो ब्लड वेसल को रिलैक्स करने के लिए वहाँ पर रबिंग किया जाता है। उसके बाद जा करके क्या होता है, ब्लड वेसल थोड़ा डायलेट हो जाता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, एंड उसके बाद वो पेन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। आई होप आप अंडरस्टैंड हो गया होगा आपका। ओके, सो लोकल रूट में क्या क्या आता है, लोकल रूट में देखो, लोकल रूट में क्या क्या आता है, टॉपिकल रूट आता है। सो नाउ टॉपिकल रूट में देखो, ये होता है आपका टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट में कौन सा ड्रग फॉर्मुलेशन आप देते हो, क्रीम देते हो, लोशन देते हो, ऑइंटमेंट देते हो, जेल देते हो। उसके बाद डीपर टिश्यू, डीपर टिश्यू आर ऑल्सो कवर्ड इन लोकल रूट। ओके, सो डीपर टिश्यू एंड एक होता है आपका आर्टरी, जो कि आर्टरी में इंजेक्शन किया जाता है। अच्छा, ये लोकल रूट का एडवांटेजेस क्या होता है, लोकल रूट का एडवांटेजेस क्या होता है, सो कन्वीनियंट होता है,
बहुत ही कन्वीनियंट होता है एंड इजी टू अप्लाई, मतलब कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है। एंड इसके लिए कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, इसके लिए कोई टेक्निकल पर्सन नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस्ड पर्सन नहीं चाहिए, कोई भी आम आदमी इसे यूज कर सकता है। ओके देन इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है? इसका डिसएडवांटेजेस होता है मे कॉज स्किन इरिटेशन। टॉपिकल या लोकल रूट का जितने भी मेडिकेशन आता है, मैक्सिमम चांस होता है ये स्किन इरिटेशन कर सकता है। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एलर्जिक रिएक्शन व्हिच इज लेस। ये जो एलर्जिक रिएक्शन होता है ये लेस होता है, लेकिन इसको हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन होता है, इसीलिए डिसएडवांटेजेस। तो मैंने आपको यहाँ पर जितना बताया, आपको एग्जाम में अगर उतना ही लिखोगे तो पूरा मार्क आपको दिया जाएगा। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा लोकल रूट, फिर लोकल रूट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दो, एक ड्रग का आप एग्जाम्पल दे दिया, फिर टॉपिकल रूट में क्या क्या आता है, कौन सा फॉर्मूलेशन आता है, ये थोड़ा आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद इसका एडवांटेजेस 1 या 2 आप लिख सकते हो, डिसएडवांटेजेस में उस तरह से लिख सकते हो। ओके अगर आप इसी तरह से सिस्टमेटिक वे में अगर लिखोगे तो आपको पूरा मार्क मिलेगा। ओके देन नाउ नेक्स्ट मूव टू द टॉपिकल रूट। सो लोकल रूट में टॉपिकल रूट भी आता है। टॉपिकल रूट में जनरली क्या होता है, ड्रग अप्लाई टू द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन एट वेरियस साइट फॉर लोकल एक्शन। देखो लोकल रूट हो या टॉपिकल रूट हो, हम इसे क्यों प्रिफर करते हैं? इसलिए प्रिफर करते हैं क्योंकि हमें लोकल एक्शन चाहिए। देखो लोकल एक्शन में क्या होता है, ड्रग का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है एंड ड्रग जब भी एब्जॉर्प्शन होगा तब जा करके फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगा। जब तक ऑब्जर्व नहीं होगा तब तक फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसे प्रोड्यूस करेगा, वो कभी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए टॉपिकल रूट इसीलिए हमें चूज करना पड़ता है। सो टॉपिकल रूट क्या होता है, ड्रग अप्लाई टू द स्किन, स्किन के ऊपर वाला लेयर जो होता है वहाँ पर अगर हम किस चीज़ को अप्लाई करेंगे, मान लीजिए ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका एक हैंड। ओके तो यहाँ पर मान लीजिए एक आपका लेजन हुआ है, दिस वन इज योर लेजन, ये हो गया आपका लेजन। तो मुझे जो क्रीम लगाना है वो यहाँ पर लगानी है। अगर यहाँ पर मैं क्रीम लगाऊंगा तो क्या होगा, जो लेजन होगा उससे मुझे आराम मिलेगा, या फिर मेरा जो लेजन हुआ है, जो खिया हुआ है, जो कॉट हुआ है, ऊंड हुआ है, तो वो ठीक होगा। ओके सो एंड म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जनरली आपका जो इनर लाइनिंग होता है, जो नोज का इनर लाइनिंग होता है, ये होता है आपका नोज। ओके ये होता है आपका नोज। तो ये जो बीच वाला जो लाइन, अंदर वाला लाइन जो होता है, ये बीच भीतर में जो लाइनिंग होता है इसको बोलाता है म्यूकस मेम्ब्रेन। सेम थिंग यहाँ पर भी है, सेम थिंग आपको यहाँ पर, सॉरी ये जो ये हो गया आपका स्टोमक। तो ये जो भीतर वाला जो पोर्शन है, ये भीतर वाला पोर्शन ये होता है आपका म्यूकस मेम्ब्रेन। सो दिस लाइनिंग इज नोन एज योर म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके सो यहाँ पर भी आपका टॉपिकल रूट बोला जाता है, ड्रग अप्लाई टू द स्किन। अगर स्किन में अगर इसे हम अप्लाई करेंगे तो इसे भी टॉपिकल रूट बोला जाएगा, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर हम अप्लाई करेंगे तो इसको भी बोला जाता है टॉपिकल रूट। ओके एंड इसका एप्लीकेशन साइट क्या होता है, स्किन होता है आपका, नाजल होता है आपका, आईज होता है, अनल होता है, ईयर होता है, भाजाइनल कैनल होता है, भाजाइना जो होता है उसका कैनल होता है। अब आपको पूछेगा एग्जाम में कि इसका कोई ड्रग होता है तो उसका एक एग्जाम्पल दे दो, तो आप दे सकते हो साल्ब्यूटामल दे सकते हो, आयोडीन दे सकते हो, लिडोकाइनो दे सकते हो। ओके तो ये होता है टॉपिकल रूट के बारे में डिटेल जानकारी। उसके बाद
नेक्स्ट मूव टू द डीपर टिश्यू. सो डीपर टिश्यू एज द नेम इंडिकेट इट इज डीपर टिश्यू. सो डीपर टिश्यू मीन्स द टिश्यू इज प्रेजेंट एट डीपर लेवल. सो इन आवर बॉडी सर्टन डीप एरिया आर प्रेजेंट व्हिच कैन बी अप्रोच्ड बाय यूजिंग ए सिरिंज और नीडिल. सो सिरिंज एंड नीडिल के सहायता से हम क्या कर सकते हैं, डीपर टिश्यू को एक्सेस कर सकते हैं एंड वहाँ पर हम जितना मेडिकामेंट चाहते हैं उतना मेडिकामेंट हम डिलीवर कर सकते हैं. सो हियर वी सिलेक्ट द ड्रग हुज सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन इज स्लो. जिसका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन स्लो रहता है जनरली उसी कैटेगरी का ड्रग जो होता है वो डीपर टिश्यू के लिए चूज किया जाता है. सो डीपर टिश्यू में आपका जनरली आ जाता है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन. इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन जनरली क्या होता है, इंजेक्टेड इनटू द जॉइंट. ओके, आर्टिकुलर वर्ड जहाँ पर भी आएगा ये जनरली जॉइंट को समझा जाएगा. ओके, सो इंजेक्टेड इनटू द जॉइंट. सो इसका एक एग्जांपल होता है हाइड्रोकॉर्टिजन इन नी जॉइंट. नी का जो जॉइंट होता है आंठू, आंठू में जो जॉइंट होता है वहाँ पर हाइड्रोकॉर्टिजन इंजेक्शन लगाया जाता है एंड इसी चीज़ को बोला जाता है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन. उसके बाद इंट्राथिकल इंजेक्शन. इंट्राथिकल इंजेक्शन आर इंजेक्टेड इनटू द स्पाइनल कॉर्ड और सब अराकनॉइड स्पेस. ओके, सो ड्रग इंजेक्टेड इनटू द स्पाइनल कॉर्ड. मेरुदंड में जो भी इंजेक्शन दिया जाता है उसको बोला जाता है इंट्राथिकल इंजेक्शन. ओके, सो स्पाइनल कॉर्ड में जो भी ड्रग डिलीवर किया जाता है उसको बोला जाता है इंट्राथिकल इंजेक्शन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सो ये जनरली कहाँ पर हम करते हैं, ये जनरली यूजफुल होता है स्पाइनल एनेस्थेसिया केस में एंड केमोथेरापी केस में ये जनरली यूज होता है. सो एग्जाम्पल एक दे सकते हो लिडोकेन जो कि एक एनेस्थेसिया है. ओके, लिडोकेन. ओके, देन नेक्स्ट मूव टू द रेट्रोबल्बार इंजेक्शन. रेट्रोबल्बार इंजेक्शन ऑल्सो कम्स अंडर डीपर टिश्यू. ओके, सो रेट्रोबल्बार इंजेक्शन ड्रग इंजेक्टेड इन बिहाइंड द आई बॉल. आई बॉल के बिहाइंड में जो भी ड्रग इंजेक्टेड करते हैं उसके पिछले वाले हिस्से में जो भी ड्रग इंजेक्टेड करते हैं उसको बोला जाता है रेट्रोबल्बार इंजेक्शन. इसमें हाइड्रोकॉर्टिजन एसीटेट ड्रग इंजेक्ट किया जाता है और जनरली ये ड्रग कोई फार्मासिस्ट इंजेक्ट नहीं करता है, ये ड्रग जनरली एक ऑप्थल्मोलॉजिस्ट या तो करेगा या एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो होता है वो करेगा. सिर्फ हमारा सिर्फ इतना काम है कि रेट्रोबल्बार इंजेक्शन जनरली किसको बोला जाता है, सिर्फ अगर आप इतना लिखोगे तो आपको पूरा मार्क मिलेगा. ओके, और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये इम्पोर्टेंट होता है. एंड कौन सा मेडिसिन यहाँ पर यूज होता है रेट्रोबल्बार इंजेक्शन में, ये बहुत बार आपको वाइवा में पूछा जाएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है. तो रेट्रोबल्बार इंजेक्शन में कौन सा मेडिसिन यूज होता है, कौन सा ड्रग यूज होता है, ये आपको याद रखना है. ओके, देन नेक्स्ट मूव टू द इंट्रा आर्टेरियल रूट. इंट्रा आर्टेरियल रूट जनरली क्या होता है, एज द नेम इंडिकेट आर्टेरियल, सो ड्रग इज इंजेक्टेड इन टू द आर्टरी. सो इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन में क्या होता है, ड्रग इंजेक्टेड इन टू द आर्टरीज इज नोन एज इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन. ओके, सो यहाँ पर जनरली क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंसी ऑफ इन्वॉल्विंग लिम्ब. लिम्ब मतलब आपका हैंड होता है एंड आपका फुट होता है. सो जनरली मैलिग्नेंसी मतलब कैंसर. ओके, मैलिग्नेंसी का मतलब क्या होता है, कैंसर. ओके, सो कैंसर ट्रीटमेंट में ये क्या होता है, इंट्रा आर्टेरियल रूट हमें क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है. उसके बाद हम चलते हैं क्या, सिस्टमिक रूट. सिस्टमिक रूट, सो द ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू सिस्टमिक रूट इज ऑब्जर्व इन टू द ब्लड स्ट्रीम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी. सो सिस्टमिक रूट में जनरली क्या होता है, जब भी हम मेडिसिन को इंजेक्टेड करते हैं या ड्रग को एडमिनिस्टर्ड करते हैं तो क्या होता है,
वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर के ऑब्जर्व होता है। एंड ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो कि थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट होता है। इसी कारण से जिस जगह में कोई भी इन्फेक्शन होगा उस जगह में ये जाकर के काम करेगा। तो ये होता है सिस्टमिक रूट। ओके, देन सिस्टमिक रूट मैंने बोला था कि दो भागों में डिवाइडेड होता है, एक होता है आपका एंट्रल रूट एंड दूसरा होता है आपका पैरेंट्रल रूट। ओके, सो एंट्रल रूट में आपका आता है ओरल रूट। ओरल रूट में जनरली क्या होता है, ये बहुत ही ओल्डेस्ट एंड कॉमनेस्ट मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये आप लोग सभी जानते हैं कि ओरल रूट क्या होता है। ये सेफ होता है, कन्वीनियंट होता है, डज नॉट नीड एनी असिस्टेंस। इफ आई गिव यू द परमिशन टू सेल्फ एडमिनिस्टर्ड पैरासीटामोल 500 mg, देन कैन यू नीड एनी टाइप ऑफ अ स्पेशल पर्सन हु एडमिनिस्टर्ड इट? नो, आई थिंक यू डू नॉट नीड एनी टाइप ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम ए स्पेशलाइज्ड पर्सन। ओके, सो दैट्स वाई ओरल रूट इज डू नॉट नीड एनी टाइप ऑफ असिस्टेंस। ओके, देन ये क्या होता है, ये पेनलेस होता है, चीपर मेडिकामेंट होता है, सस्ता भी होता है, नो नीड फॉर स्टरलाइजेशन। इसको स्टरलाइजेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अफेक्टेड बाई फास्ट पास मेटाबोलिज्म। अच्छा, फास्ट पास मेटाबोलिज्म क्या होता है, जो हमारे ओरल रूट के थ्रू गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होकर के लीवर तक जाता है एंड लीवर में मेटाबोलिज्म होता है, उसको बोला जाता है फास्ट पास मेटाबोलिज्म। ओके, इसका एडवांटेजेस क्या होता है, चीपर होता है, पेनलेस होता है एंड कोई भी इसको एडमिनिस्टर्ड कर सकता है, कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड। दूसरा होता है कन्वीनियंट होता है फॉर चिल्ड्रेन भी इसे आसानी से मतलब एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ओल्ड एज जितने पीपल होते हैं वो भी कर सकते हैं। कन्वीनियंट फॉर रिपीटेड, मतलब दोबारा अगर हम उसको ज़रूरत पड़ेगा तो मेडिकेशन ले सकते हैं। प्रोलॉन्ग्ड यूज, मतलब लंबे समय के लिए, 2 साल 3 साल या लाइफ लॉन्ग भी अगर हम चाहते हैं तो ओरल मेडिकेशन हम कंज्यूम कर सकते हैं। देन उसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है, डिसएडवांटेजेस ये होता है नॉट सुइटेबल फॉर इमरजेंसी आज ऑनसेट ऑफ एक्शन इज लो। अगर कोई इमरजेंसी में पेशेंट आएगा तो आप उनको ओरल रूट में मेडिकेशन नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पर हमें क्विक एक्शन चाहिए एंड ओरल रूट में क्या होता है, क्विक एक्शन बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। क्यों स्लो होता है, क्योंकि इसका बायो अवेलेबिलिटी 100% नहीं है। ओके, इसलिए स्लो होता है। सो अगले स्लाइड में हम ये समझेंगे सबलिंगुअल रूट क्या होता है, इसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, रेक्टल रूट, एनीमा एंड क्यूटानियस, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इफ एनी टाइप ऑफ डाउट प्लीज़ फील टू आस्क मी। इफ यू फेसिंग एनी टाइप ऑफ डाउट व्हेन एवर यू स्टडी। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।